तकदीर को बदलने का काम, तो तकदीर को न्यू करने का काम ये हुआ है ये मोदी जी के, ये उसकी सोच थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में गुजर नुमाइंदा, कोई मजबूरी ना थी लेकिन मोदी जी ने चाहा। और ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सारे मुल्क में शेड्यूल ट्राइब के लिए असेंबली में सीटें थी, आपके लिए क्यों ना थी, कोई वजह नहीं, क्योंकि मालूम था उन्हें कि ये कौम परस्त लोग हैं, ये मुल्क परस्त है। ठीक कहा विधायक साहब ने कि मुल्क के लिए अपनी जान इमान कभी सब कुछ कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते, लेकिन जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्हें ये मंजूर ना था। वो चाहते थे कि ऐसे लोग रहे हमारे आगे पीछे जो हमारी हिफाजत करें, हमारे बाद हमारे बेटे की, बेटे के बाद पोते की, और वो तभी मुमकिन था कि जो सच सुथरे लोग हैं दूर रहे। मोदी जी ने आपको असेंबली में रिजर्वेशन दी है और देखिए अब आगे क्या होने वाला है। जो गुज्जर घूमता था दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के, जिसके पैर घिस जाते थे, पैरों में जूते तो थे नहीं, पैर घिस जाते थे, आज उस गुज्जर के घर घर कांग्रेस वाले आने वाले, क्योंकि उसको पता है आपको रिजर्वेशन मिली है, आपके वोट की ताकत बढ़ गई है, आपके वजूद की ताकत बढ़ गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस वक्त उसको ये याद दिलाया है कि भाई साहब आप आ तो गए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या कहने आए हैं उससे पहले हमारी बात सुन लीजिए। गालिब का एक शेर है कि हजरत नसी कराए दीदाओ दर चश्मे रा, मगर कोई ये तो समझाए के समझाएगा क्या कि घर में कोई मेहमान आए तो उसका खैर मुकदम कीजिए, दीदा रा चश्मे रा उसकी आंखें बचाए, लेकिन आपको कोई नसीहत देने लगे तो उससे पहले ये गौर कर लीजिए कि वो नसीहत क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है। आज उनको गुजरों का ख्याल आया, उस वक्त आया जब मोदी जी ने उनका हाल बदला, तो आपने ये कहना है कि भाई साहब आप आए खुशामदीद, आपकी खातिर दरवाजा भी कर सकते, लेकिन जो आप मांगने आए हैं उसका हक तो मोदी को कि मैंने मोदी का कर्ज स्वीकारा है, जो आज तक ना हुआ वो मोदी जी ने कर रखा है। और उसका ये नतीजा है कि आज हम नहीं कह रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कारकुन नहीं कह रहे, देश का आम इंसान, आम गली कूचों में चलने वाला बाशिंदा, उसकी ये आवाज है कि मोदी जी को 400 पार करके एक ताकतवर वजीर आजम के तौर पर दोबारा वहां पर बिठाया जाए, ताकि जून के महीने जब वो तीसरी बार हलफ ले तो जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में उन्होंने बुलंद किया और बुलंद हो, जितना ये रुतबा बुलंद होगा उतना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। वो पिछली सरकारें चाहती ही नहीं थी कि किसी और के बच्चे आगे आए, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही नहीं पूरे होते, घर में ही लड़ाई रहती थी कौन मंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी जी ने वो खत्म कर दिया सिलसिला, ये गरीब घर से चल करके रेलवे स्टेशन से चलते हुए चाय बेचते बेचते हमारा वजीर आजम के पद अहदे पर एक इंसान पहुंचता है। और सारी या ये पूछा कि पिछली बार किसको वोट दिया, या ये कहा कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, अगर एक भी ऐसा फर्ज है जिसको मोदी सरकार की ओर से जब भी कोई फायदा मिला हो, चाहे गैस का सिलेंडर मिला हो, चाहे उसको टॉयलेट मिला हो या पक्का मकान मिला हो, और उससे ये कहा गया हो कि तू अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तो हाथ पड़ा, कोई नहीं, ये बदला हुआ निजाम है। हमने वो जमाना देखा कांग्रेस की सरकारें अगर नलके लगाते थे, पाइपें बिछाते थे बस्तियों में, तो पूरी की पूरी गली छोड़ देते थे जहां से जनसंघ को वोट जाता था, किश्तवाड़ में भी ऐसा होता रहा। और देखिए मजबूरी क्या, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा, कोई ऐसा दौर ना गुजरा आजादी के बाद जबकि इस खित्ते से कोई ना कोई वजीर ना रहा हो, रियासती सरकार में कोई ना कोई वजीर ना रहा हो, मरकजी सरकार जो मोदी जी ने 10 साल में किया, क्या वो 70 साल में 60 साल में नहीं कर सकते थे?
अगर आज रियाज रहाब के किनारे सात सात प्रोजेक्ट लगे 8,000 मेगावाट, मोदी जी ने खुद ऐलान किया पकड़डूल 1,000, ईरू 650 मेगावाट, कवाय दूर हस्ती 2। रियाज रहाब तो कोई हमारे बात नहीं आया, मोदी जी की बात नहीं आया, ये तो सदियों से वहां बरकरार है, शान है हमारी हिंदुस्तान की। लेकिन फिर क्यों नहीं ये ख्याल आया किसी को कि यहां पर ये प्रोजेक्ट बन सकते हैं जिससे ना सिर्फ बिजली से मालामाल होगा ये इलाका, बल्कि बाहर भी बिजली जाएगी और यहां के बच्चों को पहले 8-10 हजार की तादाद में नौकरियां मिल चुकी है और भी रोजगार मिलेगा। ये पहले भी हो सकता था, अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि चाहे वो चाहते ही नहीं थे कि, बल्कि जो हो रहा था उसे रोका गया। धर्मशाला में रेंटले का प्रोजेक्ट बनता हुआ रोक दिया गया पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, 850 मेगावाट, क्या वजह थी? कभी कोई सवाल करे? आज वक्त आया है सवाल करने का, क्योंकि पहले हम अनजान थे, हम मासूम थे, हम सीधे थे। आज मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के जरिए हमें एक नई जागृति, एक नई रोशनी दिखाई। आज एक छोटा सा बच्चा भी मेरा फिक्र खत्म होने से पहले ये पढ़ लेता है, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैंने कहा रेंटले का प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, अब फिर हुआ 850 मेगावाट। मेरी बात खत्म होने से पहले कोई बच्चा तस्दीक कर लेगा गूगल पे कितना सच के प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शावट खड़े करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार 4 लाख बार, अब की बार, अब की बार। मंच पर सुश्री फर्मा, आपके मकबूल तरीन रहनुमा सुधीर शर्मा जी, जो गुजरे वक्त में मिनिस्टर रहे, वजीर रहे, उनके साथ हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष जूनी लाल जी, आपके इंद्रवाल के नुमाइंदे तारिक दीन जी, उसके अलावा यहां पर हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, वसंत राज जी हैं, सुखान साहब हैं, हमारा युवा नेता रॉकी गोस्वामी, जिसको अभी आपने रॉकिंग करते देखा, जिस तरह से उसने सबको बिठाया, और हमारी भारी शक्ति में यहां पर बहने नारी शक्ति। और सच पूछिए तो दरियाए चनाब के किनारे इस पाकीज़ा मकाम पर आपको मुखातिब करते हुए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। और एक ऐसा वक्त जहां एक तरफ होली का त्यौहार है और दूसरी तरफ नमाज का वक्त होने वाला है, मुझे लगता है कि खुदा परवर ने या परमात्मा ने इससे बेहतर घड़ी ना चुनी होती आपके साथ रूबरू होने को, ये मेरा मुकद्दर है। और दूसरी बात, ये पसवाता इलाका जो बरसों से जिसका किसी ने तवज्जो नहीं दी, मैं देख रहा था बैठे बैठे एक एक भाई को, बहन को, और मुझे यकायक ये ख्याल आया कि क्या कमाल कर दिया मोदी जी ने 10 साल में। कोई ऐसी बहन न थी, कोई ऐसा भाई नहीं, कोई ऐसा हमारा गुजर भाई नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, वो जो सेल्फियां ना खींच रहा हो। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी डोडा जिला से है, मेरी तस्वीर पहली बार कहीं 8वीं जमात में खींची गई, वो भी चूंकि कार्ड बनाने के लिए, और कोई मामा ले गया कहीं। ये जो इंकलाब, ये जो क्रांति आई है, यही इस बात की गवाह है कि क्यों आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी को फिर से हम वजीर आजम बनाएंगे। ये कभी सोचा नहीं था,
पीढ़ी बदल गई है, नए बच्चे आ गए और इसका लाज नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ पुराने यहाँ पर विकरान बैठे हैं वो याद करेंगे किस तरह से सेल्फियां खींच रहे हैं हमारे गुजर भाई, किस तरह से सेल्फियां खींच रहे हैं वो पहाड़ों से आए हुए लोग। अभी मुझे शायद इतनी महारत नहीं जितनी है, ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया जिसने सारे मुल्क को एक ग्रोड में डाल दिया, और ये इसलिए साबित हुआ कि मोदी जी ने जो भी किया ईमानदारी से किया, ईमान के साथ किया। मौलाना इकबाल का शेर है कि मजहब ना चाहिए मुझे ईमान चाहिए, उस मजहब का कोई मतलब नहीं जहां ईमान ना हो, वो जहां ईमान हो तो सभी मजहबों के बराबर है। और ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं यहां जो हमारे बैठे हैं भाई बहन, ये तस्वीर उस मुकाले की जीती जाती एक मिसाल है। ये इसलिए मुमकिन हुआ, आज क्यों बच्चा बचा गया कि मोदी जी आए। कल जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब आपके मुखालिफ हो, लीडरान ऐसा कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, मैं इसमें बदला करने की कोई जरूरत नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो तो मजबूरी में कहेंगे, उनको पार्टी के उनके हुक्मरानों ने हाईकमांड ने हुक्म दिया, लेकिन उनकी घर की खवातीन हमें वोट देंगे। और ये जो बदलाव आया, ये जो इंकलाब आया है, जो मोदी जी ने लाया, जिसका भी जिक्र सुनील जी कर रहे थे, गुजर बकवाल तबके को खाना बदोशी की हालत से निकालकर आबाद किया है, जिनके पास कभी कोई मकान नहीं था उनको ना सिर्फ मकान दिया बल्कि कच्चे मकान में भी रहने की मोहलत नहीं दी, बोला कच्चा मकान नहीं होना चाहिए पक्का मकान, फ्रिस्टें बनाई गई, डीसी को दी गई और डीसी की ड्यूटी लगाई गई कि हर कच्चे मकान को पक्के में तब्दील करें। आपने वो जमाना भी देखा है कि डीसी के दीदार नहीं होते थे, ये डोडा का जिला सबसे पहले आजादी के बाद बना था, उसके बाद से हुआ बना। और आप पूछिएगा अपने घर जाके बुजुर्ग, मोदी जी ने वो इंकलाब लाया कि डीसी खड़ा करके कहता है हमारे गुजर भाई से, यार तुम मकान बना ले नहीं तो मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी, यानी आपको जाकर के वहां इंतजार नहीं कर रही, इंतजामिया घर घर के आके कह रहा है, सरकारी हुक्मरानों अफसरों की ड्यूटियां लगी है, वो अपनी गरज के लिए कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं मेरा थोड़ा सा सागोल कर, तुझे मैंने पक्का मकान बना के देना है, ये तो मेरी तनख्वाह का सवाल है। ये जो इंकलाब आया, ये जो जमहूरियत का एहसास हुआ, ये मोदी जी की बदौलत है, और यही जमहूरियत का असल तसव्वुर है कि हर इंसान को यह कहे ये आरजू रहे कि अगर इसके पास ये सहूलत है तो मैं भी इसका हकदार हूं, अगर इसको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। और बच्चा कोई भी हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, उसकी मां को ये सोचने का साहस हो, जरूरत हो कि मेरा बच्चा भी बड़ा से बड़े अहदे पर खड़ा होकर के बैठ सकता है, ये है जमहूरियत। लेकिन हमने 60-70 साल वंशवाद और खानदानी